आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीलम्स रसोई पर। चलिए आज बनाते हैं बिना चीनी के खजूर और सूखे मेवे की बर्फी। इसे बनाकर आप रख कर महीना भर खा सकते हैं और ये बड़ी आसानी से बन भी जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो मैंने खजूर लिया है, ये बीज वाले खजूर हैं। इसे काट कर हम इसमें से बीज अलग कर लेंगे। मार्केट में बिना बीज वाले खजूर भी मिलते हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। खजूर में से मैंने सारे बीज अलग कर लिए हैं। अब हम इसे बारीक काटेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड भी कर सकते हैं। ये मैंने कुछ सूखे मेवे लिए हैं, 50 ग्राम बादाम, काजू, अखरोट, 25 ग्राम मैंने पिस्ता लिया है। इन्हें बारीक काट लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़ा चम्मच घी। सूखे मेवे को थोड़ी देर इसमें भूनेंगे। को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गया है, इसे मैं धीमी गैस पर भून रही हूँ। अब इसमें हम मिलाएंगे 2 बड़ा चम्मच खसखस। खसखस को मैं बाद में मिला रही हूँ क्योंकि पहले नहीं मिलाया था, नहीं तो खसखस हमारा जल जाता। अब इसे धीमी गैस पर 2 से 3 मिनट भूनेंगे। मेवे अच्छे से भुना गए हैं, एकदम क्रंची हो गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में अब हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच घी। खजूर को इसमें मिलाकर इसे लो टू मीडियम गैस पर धीरे धीरे भूनेंगे ताकि खजूर अच्छे से गल जाए। इसे भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो गया है, खजूर अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे सूखे मेवे। गैस को एकदम धीमा कर देंगे। धीमी गैस पर इसे मिक्स करके 5 मिनट और भूनेंगे। ये मैंने बेकिंग टिन लिया है, इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है। आप चाहें तो इसे किसी थाली में भी जमा सकते हैं। अब इसमें हम मिश्रण को पलट कर इसे चम्मच से अच्छे से दबा दबा कर एक बराबर कर लेंगे। सजाने के लिए ऊपर से डालेंगे थोड़ा कटा हुआ पिस्ता। इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे काटेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। अब इसके किनारों को हम चाकू से छुड़ा लेंगे और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। इसे हम पीसेस में काट लेंगे। बिना चीनी के खजूर और सूखे मेवे की बर्फी बनकर तैयार है। आप इसे बनाकर स्टोर करके महीना भर खा सकते हैं और आप इसे किसी को भी खिला सकते हैं क्योंकि ये शुगर फ्री है। आप भी बनाइए, खाइए, अपने अनुभव नीलम्स रसोई पर शेयर कीजिए और ऐसी ही अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू नीलम्स रसोई एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।